नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिवानी। आज हम बात करेंगे कि कैसे नालंदा का मुन्ना मुख्यमंत्री बन गया। बिहार में आठवीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार को बिहार में सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। एक इंजीनियर कैसे बन गया बिहार का विकास पुरुष, आज इस वीडियो में बात होगी। बिहार में रिकॉर्ड बनाने वाले मुख्यमंत्री की, जिसने ये साबित किया कि एक इंजीनियर राज्य भी संभाल सकता है। तो बिहार के सुशासन बाबू की कहानी शुरू होती है बख्तियारपुर से, जो पटना से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, एक छोटा सा गांव। तारीख थी 1 मार्च 1951, जब कबीराज राज लखन सिंह और परमेश्वरी देवी के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया नीतीश। किसे पता था कि ये बच्चा आगे जाकर बिहार की सियासत पर राज करने वाला है। नीतीश कुमार के पिता ने उस समय भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया था और साथ में ही वो एक आयुर्वेदिक वैद्य भी थे। उनका एक भाई सतीश कुमार है, उनकी 3 बहनें हैं, उषा देवी, इंदु देवी और प्रभा देवी। नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर के श्री गणेश हाई स्कूल से अपनी 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की थी और 12वीं पास करने के बाद उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। इस कॉलेज से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री साल 1972 को ली थी। वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। राजनीति में आने से पहले नीतीश बिहार बिजली बोर्ड में कार्य करते थे, लेकिन राजनीति में आने के लिए उन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया। फिर वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हिस्सा बने और इस आंदोलन की वजह से ही इन्हें नेता बनने का मौका मिला। 1974 में वह जेपी आंदोलन में शामिल हुए और यहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 1985 में इन्होंने अपने राज्य से विधानसभा चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में जीत भी हासिल की। उसके बाद से नीतीश का सफर चलता गया और मार्च 2000 में उन्हें पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। नवंबर 2010 में वह दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार की शादी 22 फरवरी 1973 को मंजू कुमारी सिन्हा से हुई थी। यह एक लव मैरिज थी। इनका एक बेटा है निशांत कुमार, जो राजनीति से दूर रहते हैं। उनकी पत्नी का लंबी बीमारी के बाद 14 मार्च 2007 को नई दिल्ली में निधन हो गया। वह एक सरकारी हाई स्कूल में शिक्षिका थी। अपनी पत्नी के निधन के बाद नीतीश कुमार ने खुद को राजनीति में और झोंक दिया। बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने अपने राज्य के विकास के लिए कई सारे कार्य भी किए और इन्हीं कार्यों के लिए इन्हें कई अवार्ड भी दिए गए। 16 नवंबर 2020 में नीतीश कुमार 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली। तब वो एनडीए का हिस्सा थे और फिर 2022 में 10 अगस्त को उन्होंने बिहार में 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया और ये महागठबंधन की सरकार बनी। आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि नीतीश कुमार आपको कैसे नेता लगते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।